अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। एक काम करना, धगुल के पास चलिया और साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना कैसे तो रे, समझी? जा, हो जाएगा काम। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स अपने नाम से पहचाने जाते हैं, कुछ अपने काम से पहचाने जाते हैं, और कुछ अपने मैनरिज्म से पहचाने जाते हैं। और आज जिस एक्टर की बात मैं कर रहा हूं, वो अपने मैनरिज्म से फिल्मों में बहुत मशहूर हुए, और वो हैं द वेटरन कॉमेडियन केशटो मुखर्जी। अरे क्या, ये पुलिस स्टेशन है? यहाँ पुलिस होगी नहीं तो चोर उचक के बदमाश जरूर होगा, नहीं तो कोई महत्व थोड़ी होगा। नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ। अब ग्लैड टू मीट यू। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। आपका भुट्टी का है? चारा नहीं है। दौर के बच्चे, हरमजादे, तू हमारे साहबजादा होकर अनारकली जैसी दो टके की लड़की का आगे दौड़ा था। 7 अगस्त 1925 में केशटो मुखर्जी पैदा हुए थे कोलकाता में एक बंगाली फैमिली में। उनके पिता बहुत पढ़े लिखे थे और उनका नाम था सुरेंद्रनाथ, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि केशटो मुखर्जी को पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में PhD की थी। एक्टिंग करने का शौक उन्हें कॉलेज डेज से ही था, इसलिए कॉलेज के हर ड्रामा में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। कॉलेज के बाद उन्होंने बाकायदा बंगाली थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ पर प्लेस करने लगे, और वहाँ उनके कोलीग्स थे अपने वक्त के मशहूर एक्टर बिस्वाजीत और राखी जी। एक दफे मशहूर बंगाली डायरेक्टर और राइटर ऋत्विक घटक ने उनका एक प्ले देखा, वो उनसे बहुत इंप्रेस हुए और फौरन अपनी एक बंगाली फिल्म के लिए साइन कर लिया। उस फिल्म का नाम था नागरिक, जो कंप्लीट हुई थी 1952 में, लेकिन अफसोस रिलीज हुई 1977 में। इस फिल्म के बाद किश्तुदा ने कुछ और बंगाली फिल्म्स में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर ऋषिकेश मुखर्जी से, और ऋषिदा ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया। फिल्म का नाम था मुसाफिर, जो आई थी 1957 में। ये मिलावट और बनावट का ही जमाना है। पूरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लंगड़ा ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता। चलो। हाँ? हाँ। चले बाबूजी। अच्छा, ऋषिदा को केशटो मुखर्जी का काम बहुत पसंद आया और अपनी हर फिल्म में उन्होंने केशटो साहब को कास्ट किया, जैसे गुड्डी, खूबसूरत, गोलमाल और चुपके चुपके। एक काम करो, पढ़ो, फिर से पढ़ो, पढ़ो तो। अभी पढ़ लो। आज बाग बाग में खिलेंगे गुलाब, दे साकी पिलाए दे, पिलाए दे एक गिलास जुलाब। अरे वाह जोड़ी जोड़ी का। दोस्तों, केशटो साहब ने उस दौर के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार और किशोर कुमार। जरा पढ़ के बताएं इनको सही डायलॉग क्या है। ये रहा। लिखे थे लोयला अपना प्यारे प्यारे मोंजू को, नहीं मोंजू नहीं, मजनू को जंगल जंगल में पुकारता है। क्या गैस? मेरी गैस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके मैनरिज्म के पीछे, यानी उसके पीछे एक किस्सा है। मशहूर डायरेक्टर अशीत सेन 1970 में एक फिल्म बना रहे थे, और उस फिल्म का नाम था माँ और ममता। उसमें उन्हें एक कॉमेडियन की जरूरत थी, तो उन्होंने जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप साहब को अप्रोच किया उस रोल के लिए, लेकिन वो तीनों बहुत बिजी थे, इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाए। तब उन्होंने केशटो दा को बुलाया और कहा, केशटो, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ,
माँ और ममता, उसमें एक रोल है, एक कॉमेडी रोल है, लेकिन एक शराबी का, क्या तुम करोगे? किश्तोदा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं करेगा, हम जरूर करेगा। और जब उनकी ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग उनकी एक्टिंग से हैरान हो गए और उनका ये मैनरिज्म यानी ये हिट हो गया। अगर धर्म का इतना ही ख्याल है तो अपनी धर्म की कमाई से भरी तिजोरियों की मुंह खोलकर भर दो ना उसका मुंह। चल चल शराबी कहीं का, तेरा क्या यहाँ काम, जा शराब पी जाकर ठेके में। शराब मैं जरूर पीता हूँ लेकिन किसी का खून नहीं पीता हूँ। फिर क्या था, उसके बाद जितनी भी फिल्मों में कैस्ट्रो साहब ने काम किया, ज्यादातर रोल शराबी के किए। आदमी तो पूरे 25 ही है तो फिर मेरी रोटी खाने। अरे ये मेरी लैला और मैं उसका मंजू, नहीं मंजू नहीं मजनू। अरे क्या गति है मेरी बुलबुल, थोड़ा बड़ा पैसा ना। ठीक कहा, उस वक्त मैं टून था लेकिन टून होने के बाद मैं होश में आता हूँ और मुझे बराबर दिखाई देता है और पीने के बाद मेरा दिमाग सही जगह पे चलता है। माफ कीजिए सर। दोस्तों केस्टो साहब की एक खास बात थी, कोई भी फिल्म में अगर उनका छोटे से छोटा रोल भी होता तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और अपने मैनरिज्म से उसको यादगार बना देते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है फिल्म शोले। शोले के हरिराम नाई को कौन भूल सकता है। पिस्तौल जेल में आ चुका है, पिस्तौल जेल में आ चुका है। बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को। दोस्तों मेरी मॉम यानी तबस्सुम जी ने भी केस्टोदा के साथ कई फिल्मों में काम किया था। वो बताती थी कि केस्टोदा जितने मजाकिया फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट थे। वो रियल लाइफ में बहुत ही सोबर थे और बहुत ही संजीदा थे। आज मुझे मालूम हुआ कि औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी ममता होती है। मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो जान। अगर तुम वादा करो कि तुम एक अच्छी माँ बनोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रह सकता है। मैं वादा करती हूँ, मैं कसम खाती हूँ जान, मैं कसम खाती हूँ। मेरी मॉम ने सिर्फ फिल्मों में उनके साथ काम नहीं किया, दुनिया भर में स्टेज शोज किए थे और अक्सर वो एक किस्सा सुनाती थी। एक दिन उन्होंने केस्टोदा से पूछ ही लिया, केस्टोदा एक बात बताइए, आप इतनी अच्छी शराबी की एक्टिंग करते हैं, आप ज़ाती जिंदगी में भी कभी शराब पीते हैं? वो पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर मम्मी से कहा, तबस्सुम हम सिर्फ दो दिन शराब पीता है, एक दिन जब बारिश होता है और दूसरा दिन जब बारिश नहीं होता। ये कह के उन्होंने बात टाल दी। 87 88 अरे 100 तक पूरे कर। 100 पूरा नहीं होगा मामा। कैसे नहीं होगा, तेरी वजह से आज पासा पलट गया होता है। मामा वो खुशी का मौका था, पी गए, वरना कभी नहीं पीता। वादा कर कभी नहीं पिएगा। वादा करता हूँ मामा कभी नहीं पीऊंगा। दोस्तों 1964 में केस्टोदा ने शादी कर ली, उनकी बीवी का नाम था छाया, उनके दो बेटे हैं रंजीत और इंद्रजीत, लेकिन अफसोस रंजीत की 1985 में डेथ हो गई थी और दूसरा बेटा इंद्रजीत को हम बबलू मुखर्जी के नाम से जानते हैं और बबलू ने कई हिंदी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स पे काम भी किया है और वो अपने पिता के नाम की एक एक्टिंग एकेडमी भी चलाते हैं। बबलू की शादी हो गई और उनके तीन बच्चे हैं, एक बेटी और दो जुड़वा बेटे। दोस्तों एक बात बताना बहुत जरूरी है, कुछ लोग समझते हैं कि मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी केस्टो मुखर्जी की बेटी हैं और बबलू मुखर्जी की बहन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुष्मिता मुखर्जी का केस्टो मुखर्जी से और बबलू मुखर्जी से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ अलबत्ता सरनेम सेम है। केस्टो साहब ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 फिल्में की थी और उनकी आखिरी फिल्म आई थी 1981 में और फिल्म का नाम था 5 कैदी। हम तुम सबको पकड़ेंगे। किसको पकड़ेगा? किसी से भी है। हाँ किसको पकड़ेगा? ये लोग डाकू लोग हैं सब। ये तुम ही तो है, तुमको पकड़ लेगा, ये सब डाकू को पकड़ लेगा। हाँ
पकड़। 4 मार्च 1982 वो भयानक दिन था जब केष्टोदा ये दुनिया छोड़ के चले गए। उनका एक बहुत भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया था मुंबई में। उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने बताया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से केष्टोदा की डेथ हो गई। दोस्तों, केष्टो साहब तो चले गए लेकिन उनकी फिल्में हमेशा हम सबको हंसाती रहेंगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।